हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोग इंचांटमेंट टेबल बना चुके थे और इस बार मैंने लाइब्रेरी भी पूरा का पूरा कर दिया था। लाइब्रेरी मैंने बना ही ली थी बट लाइब्रेरी मेरे पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने लाइब्रेरी को और अच्छा सा डिज़ाइन देने की कोशिश किया है और मैंने लाइब्रेरी के अंदर अच्छे से बुक सेल्फ को लगा दिया है। जैसे कि इसे मैंने बुक सेल्फ लगा दी है और इधर तो लैंटर्न भी लगा दी है और इधर मैंने चेस्ट लगा दी है जिससे कि मैं किताब और लेपिस रख सकूँ यहीं पर। और अभी इंचांटमेंट हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेवल 30 तक, तो हमें उसके लिए तो लेवल 30 चाहिए, मतलब हमारी 20 है अभी भी। तो हम पहले जाते हैं नेदर में, तो हमें इस ग्रीन 20 को बढ़ाने के लिए क्या है नहीं पता, उसको बढ़ाने के लिए हमें नेदर में सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि हम अगर वहाँ पे कुछ भी खोदते हैं तो हमें बहुत जल्दी पॉइंट मिल जाती है। तो हम लोग चलते हैं नेदर में और थोड़े से एक्सप्लोर करके भी आ जाते हैं नेदर से। और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम डायमंड की जो ये पिकेक्स थी उसको मैं इंचांटमेंट करूँगा अनब्रेकिंग 3 में, जिससे कि वो टूटे ही ना ज़्यादा समय तक हमारी यूज़ होते रहे, क्योंकि हमारे पास और डायमंड भी नहीं है। तो गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस कीजिएगा उस बेल को। तो चलते गाइस आगे की ओर। अरे क्या हो गया, तो गाइस फंस गया। तो हम लोग चलते गाइस आगे की ओर। तो इधर हम गलत जगह में आ चुके थे, तो हमें उधर से जाना होगा नीचे। तो हम लोग फिर से गलत जगह में, क्या नहीं, हम लोग इधर से नीचे जा सकते हैं। तो हम लोग नीचे की ओर चलते हैं और हम आज थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करने वाले हैं नेदर को। और मैंने इस बार भी कोबल स्टोन लेके आए हुए हैं, क्योंकि कोबल स्टोन अच्छा है अपने रास्ता को फाइंड करने के लिए। कोबल स्टोन बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोबल स्टोन दिखते भी नहीं है और मैं किधर किधर जाता हूँ कोबल स्टोन से मुझे पता चलते रहता है कि हम किधर किधर अभी तक घूमे हुए हैं। तो हम इस साइड तो नहीं घूमे, तो इस साइड हम कोबल स्टोन दे देते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम किधर किधर घूम चुके हैं। तो हम लोग तोड़ लेते हैं थोड़े से, जिससे कि हमारी थोड़ी सी पॉइंट तो बढ़ी जाए। 30 होने में नहीं पता कितना टाइम लग जाएगा हम लोग का। तो गाइस, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें अपनी ग्रीन रंग की 20 EP या XP है शायद, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि वो जल्दी से बढ़ जाए। तो हम चलते हैं आगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हम लोग जो राइट तो नहीं, बट यहाँ पर हम लोग ज़रूर देंगे। हम लोग कोबल स्टोन रख देते हैं बीच बीच में, ताकि हम लोग अपना रास्ता को भटक ना जाए। तो यहाँ पे आग भी है तो हमें बच के रहना होगा। तो हम लोग यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं, तो पहले तो हम लोग आग यहाँ पे रख लेते हैं। तो हम नीचे जाने की कोशिश करेंगे, तो हम पहले इसको भी तोड़ देते हैं। तो हम नीचे जाने की ज़रूर से कोशिश करेंगे। अरे बंद हो जाए आग भी। तो हम लोग बैठ चुके हैं, तो हम लोग अभी नीचे तो नहीं गिरने वाले हैं और अभी हम लोग नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो यस गाइस, हम लोग अभी फिर से बैठ के हम लोग को आगे जाना होगा। तो हम लोग आगे पूरे जाने की पूरा कोशिश करेंगे। तभी मुझे नहीं पता कि मैं नीचे साइड का कैसे बना सकता हूँ। तो अगर मुझे उस साइड जाना है तो मुझे किसी और रास्ता को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तो हम लोग गाइस अगली वीडियो तक हम लोग कैसे भी करके उस साइड जाने का रास्ता फाइंड कर ही लेंगे। तो हम लोग इस साइड अभी तो इस साइड चलते हैं। तो अरे आग में मत घुसना भाई। तो हम लोग इस साइड चलते हैं और देखते हैं इस साइड हमें कुछ अच्छा सा मिलता है कि नहीं। तो हम लोग उस साइड तो जा ही नहीं सकते, तो हमारी हेल्थ भी तो मतलब भीड़ भाड़ भी कम हो जाती। तो हम लोग कुछ खाना भी खा लेते हैं। यस, हमने खाना भी खा लिया है। तो हमें तक अभी कोई भी अच्छी सी लूट नहीं मिली है, तो हम लोग आज थोड़े से और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर लेते हैं। तो इधर आगे अभी गिर जाते हैं। इधर तो आगे आग लगी हुई है, तो अभी हम गिर जाते हैं नीचे की ओर। तो हम इस बार इस तरफ की जाने वाले हैं, इस तरफ में अभी तक नहीं गए हैं। अरे उर्री यार, अभी हम गिर जाते हैं। अरे नीचे जगह है ना, हाँ अभी हम गिरने वाले थे यहाँ से। तो हम लोग देख लेते हैं
इधर से हम लोग क्या मिलता है, तो हम लोग शायद इनसे फाइट भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता इनसे लड़ने को, कुछ मिलता भी नहीं है। मैंने एक बार ट्राई भी किया था इनसे लड़ने को, इधर से कुछ भी नहीं मिलता है। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ी सी स्किप कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई अच्छी जगह फाइंड होती है तो मैं वीडियो को वहीं पे स्टार्ट कर दूंगा, या मैं पूरे 30 लेवल करके मिलता हूँ। तो मिलते हैं गाइस। तो गाइस वीडियो स्किप करने के बाद आप लोग देख ही सकते हैं कि हम लोग 29 लेवल तक पहुँच चुके हैं। तो हम लोग ईजीली गाइस अभी लेवल 30 होने वाले हैं, बट हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई, तो हम पहले खाना ही खा लेते हैं। तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा थोड़े से लेवल 30 करके। तो यहाँ पे तो आग लग गई है, तो हम पहले आग को बुझा लेते हैं, मतलब लावा लग गई है, सॉरी लावा को बुझा लेते हैं और चलते हैं उधर की ओर, और देखते हैं कि हम हमें कहाँ पर मिल सकता है ये। नहीं तो यहाँ पे तो बच्चे ही बच्चे खेल रहे, तो हमें पहले आराम से जाना होगा, क्योंकि मेरी लेवल इतनी ज़्यादा है, मैं गलती से भी मरना नहीं चाहता हूँ। कब तक इन लोगों से झगड़ा हो जाए, यहीं पे लोग पीटना चालू कर दें। तो लोग चलते हैं गाइस आगे। अरे यार हम लोग गलती कर रहे हैं अभी पर, यहाँ पर ही तो हम थोड़ा सा साउंड को इंक्रीज ही कर लेते हैं और चलते हैं आगे और देखते हैं हमें कहाँ पर मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पर जाने की, यस इधर रास्ता है, हम भूल ही चुके थे कि इधर भी हम लोग जा ही सकते थे। तो हम लोग पहले लेवल 30 कर लेते हैं, ताकि हम लोग डायमंड पिकेक्स को अपनी जल्दी से इंचांट में कर लेते, ताकि हम लोग डायमंड पिकेक्स कुछ भी तोड़े तो जल्दी डायमंड पिकेक्स हमारी टूट ना जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से ही हमें डायमंड मिली थी, 5 ही डायमंड मिली थी। तो हम उसमें से 1-3 डायमंड पिकेक्स के लिए यूज़ कर दी और 2 डायमंड हमने इंचांटमेंट टेबल बनाने में लगा दी, तो हम उन्हें गलती से खोना नहीं चाहते हैं। तो अभी तक तो मुझे, अरे अभी गिर जाता, अभी गिर जाता सारी की सारी मेहनत मेरी बेकार हो जाती। तो मेरी एक पिकेक्स टूट चुकी है, तो हम लोग दूसरी इजीली तोड़ने की कोशिश करें। तो इस पिकेक्स हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो गाइस हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा लेवल 30 होने में, तो हम लोग लेवल 30 होने में लगभग पहुँच ही चुके हैं। तो यस गाइस हम लोग की लेवल 30 हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास नेदर क्वार्ट्स तो भर भर के आ चुके हैं, और मैंने मेगमा ब्लॉक भी तोड़ लिए थे, और नेदर रेग और उससे मार के गैस्टियर भी मिल चुके हैं। तो मुझे नहीं पता ये गैस्टियर से होती क्या है। तो हम लोग पहले यहाँ से, अरे अभी गिर जाता, तो हम लोग पहले यहाँ से चलने की कोशिश करते हैं, और स्पीड नहीं भाग पा रहे क्योंकि हमारी फीड बार भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हम लोग ईजीली आसानी से चलते हैं बाहर, क्योंकि हम लोग मर भी सकते हैं यहीं पर ही, तो हम लोग आसानी से चलते हैं। तो कतई हम मरना नहीं चाहते, मैं मरना नहीं चाहता, अरे पहुंच जाएंगे जल्दी ही। तो हम लोग चलते हैं। तो गाइस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग मुझे कमेंट में सजेशन जरूर दीजिएगा कि हम और क्या क्या इंचार्ट कर सकते हैं। और अभी तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली फ्यूचर वीडियोस और भी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मुझे नेदर में और एक चीज़ पता चली जिसे मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। नेदर में एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है, तो आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। हम लोग अपनी ओरिजिनल दुनिया में पहुँच ही चुके हैं, तो हम लोग पहले खाना तोड़ लेते हैं, कतई हमारी हेल्थ भी ऐसी मर चुकी है। हम लोग पहले बहुत सारे तोड़ लेते हैं, यस हम लोग बहुत सारे तोड़ चुके हैं। हम लोग स्वीट बेरीज खा ही लेते हैं, यस इतना काफ़ी है, हम लोग अभी दौड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग आज ही अपनी डायमंड पिकेक्स को लेके आ जाते हैं और उससे हम लोग इंचांटमेंट कर लेते हैं। तो हमने डायमंड पिकेक्स को नीचे ही रखा था, तो हम लोग नीचे चल की ओर चलते हैं और डायमंड पिकेक्स को लेके आते हैं। ये रहा गाइस हमारा डायमंड पिकेक्स, तो चलते हैं डायमंड पिकेक्स को लेते हैं। तो चलो रे चलो रे। तो अगर हम ज़्यादा टाइम तक डायमंड पिकेक्स
से ज़्यादा तोड़ सके तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हम डायमंड पिकेक्स का भी अपग्रेड कर ही देंगे। और मैंने बुक सेल्फ को थोड़ा ज़्यादा लगा दिया है, और सॉरी गलती से लग गया, अरे इसको हटाना था। तो हम लोग डायमंड पिकेक्स पहले लग लेते हैं यहाँ पर, और अभी हम लोग लेवल 3 अनब्रेकिंग 3 हमें मिल जाएगी, और ये एफिशिएंसी 2 है और अनब्रेकिंग 1, तो हम अनब्रेकिंग 3 ही लेंगे। तो पहले हम लोग लेपिस लोइस ले लेते हैं, क्या नाम है नहीं पता। तो यहाँ पर मैंने बुक सेल पर कुछ रखे हुए हैं चीज़ें, तो पहले हम लोग डायमंड यहाँ पर रखते हैं, और हमारे लेपिस लोजिल को रखते हैं यहाँ पर, और कर लेते हैं हम इंचांट। तो यस गाइस, हमारी इंचांटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे पास एक पावर रेड बुक भी है, तो हम अभी बुक सबको भी यूज़ करके देख सकते हैं क्या हमें बुक में कुछ नई चीज़ें मिलेगी। अगर हम बुक को यहाँ पर रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें लेपिस इंचांटमेंट प्रोजो टेल प्रोटेक्शन 2-4, ये एक एफिशिएंसी नहीं पता क्या क्या हमें मिल रही है। तो अगर हम बुक चेंज करते तो क्या हमारी ये भी चेंज होती है, तो नहीं हम अगर बुक चेंज करते तो हमें कुछ भी चेंज नहीं होती है। तो हम दूसरी बार फिर से बुक के चेंज करके देखते हैं, तो नहीं हमारी कुछ नहीं हो रही है। तो हम बुक को चेंज करने से हमारे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो ऐसी चीज़ को हम लोग बार बार दोहरा ही रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा डायमंड पिकेक्स कहाँ गया, तो यहाँ पर है हमारा डायमंड पिकेक्स। तो यहाँ पर अनब्रेकिंग, हमें ओनली अनब्रेकिंग 3 मिली है, और 5 अटैक डैमेज है, तो ऐसे भी हमारे पास 6 अटैक डैमेज इसी में लगता है। तो हम लोग अगली वीडियो में ट्राई करेंगे इसी चीज़ को। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।